तो H3PO4 कौन सा बेसिक एसिड हो गया बोला आपका ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक ठीक है ना। अभी और एक लेते हैं हम लोग, सबसे मैं अगर मैं बात कर रहा हूं H3PO2 तो कौन सा बेसिक एसिड होना चाहिए, देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है P डबल बॉन्ड O OH OH और यहां पे कौन है बोला आपका H, देखिए H3PO डाल दो, H3PO2 बनाना है ना यहां पे H3PO2 ना बन गया ये H और बोलो क्या आपका H ऐसा है, देखिए H3PO2 है कि नहीं, देखिए एक ही H एक ही O को जुड़ा है बाकी जुड़े हैं क्या नहीं, तो ये कौन सा बेसिक हो गया बोला आपका मोनो बेसिक, मोनो बेसिक समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर मैं बाद में सिखाऊंगा आप सीखेंगे ठीक है ना, लेकिन आपको ये समझ में आ गया एसिड कौन होता है H प्लस बनने वाला हम लोग क्या बोलते हैं एसिड, H2O4 डायबेसिक हो गया, उसके बाद कौन रह गया HCl कौन सा मोनो बेसिक, H3PO4 कौन सा हो गया ट्राइबेसिक और H3PO2 कौन सा हो गया मोनो बेसिक, क्लियर है। देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी, डिवाइडेड बाय बोलो इट्स बेसिसिटी, समझाता हूं देखो पहला एग्जांपल लेते हैं H2SO4, तो हम लोग क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना है 98, क्लियर है क्लियर है। और देखो भैया उसकी बेसिसिटी कितनी है 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 49 यूनिट्स है ना, यानी एक मॉलिक्यूल H2SO4 का इक्वल यूनिट कितना है 49 यूनिट्स एक मॉलिक्यूल का, वैसे ही मैं बात करूंगा आहा मजा आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 है ना, तो पहले उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा, डायरेक्ट करूं 3 हाइड्रोजन फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है 15 डबल क्या हो जाएगा 30 31 जो भी है हम लोग 30 पकड़ेंगे 31 भी हो सकता है, इसका कितना है बोलो आपका 16 4 * 16 कितना हो गया 64 और ये कौन सा बेसिक है ट्राइबेसिक है ना डिवाइडेड बाय बोलो आपका 3 कितना आएगा 47 97 अपॉन 3 दैट इज 33 जा 9 32 जा 6 जो भी हो समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ये क्या रहेगा इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ बोलो क्या आपका फास्फोरिक का एसिड, चेक करना पड़ेगा थोड़ा गलत हो सकता है लेकिन ऐसा होगा कांसेप्ट, इसका बोलिए H3PO2 का क्या होगा H3PO2 का क्या होगा निकालो मॉलिक्यूलर मास उसका और सॉल्व करो, लेकिन आप बोल सकते हैं ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2 दैट इज इक्वल टू क्या बोलेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO2 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी कितनी है 1 समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है, इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, जैसे मैं लेता हूं ये वाला H2O7 इसका मैं स्ट्रक्चर भी बना के दे देता हूं आपको S डबल बॉन्ड O O S डबल बॉन्ड O OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, एक बार देखो ओए देखो पहले लिखना छोड़ो H2S2 एक दो तीन चार पांच छह और सात H2S2O7 इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो और इसका डायट अभी तो आपको रटना पड़ेगा फास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी 3 HCl की बेसिसिटी A H3PO2 की बेसिसिटी कितनी ए समझ आ रहा है ना, और इसकी कितनी बोला आपकी 2 ये आपको रटना पड़ेगा अभी बाद में आप खुद निकालने के काबिल हो जाओगे ठीक है लिख लो जल्दी से देखो यहां पे गाइस
पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO7 निकालेंगे। देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO7 इज इक्वल टू, हाइड्रोजन दो है ना, आप बोलेंगे टू। आपके सल्फर कितने हैं? दो। एक सल्फर का एटॉमिक मास 32, 2 × 32 कितना हो गया 64 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना बोला आपका 16, 16 टू 7 कितना हो गया 112। एडिशन करेंगे 178, आपका इक्वल वेट कितना मिलेगा 178 डिवाइडेड बाय 2 12 to 16 to 98, यूनिफाइड मास। क्लियर है? अरे क्लियर है? इक्विवेलेंट एसिड का निकालने का है, तो यहाँ पे आपका एसिड के लिए फैक्टर कौन है? इक्विवेलेंट आपका बेसिटी, यहाँ पे लिख दूँ मैं एसिड के लिए, एसिड के लिए फैक्टर फैक्टर बेसिसिटी है, बेसिसिटी एसिड के लिए फैक्टर बेसिसिटी है। क्लियर है? बेसिसिटी समझ में आ रहा है ना? वही रहेगा, लिख लो जल्दी से।